20वीं शताब्दी, यही है वो समय जब गांधी, बोस, पटेल, अंबेडकर जैसी महान विचारधाराएं हमारे देश में प्रचलित हुई और कुछ इस तरह से कि आज हम एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश है। चलिए देखते हैं कि आजादी के इन वीरों को अब देश कैसे नमन कर रहा है। 20वीं सदी में जब भारत की आजादी का संग्राम लड़ा गया, कईयों ने अपनी आवाज उठाई पर उनकी आवाज को दबा दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, बटुकेश्वर दत्त, दीवान सिंह, कई ऐसे नाम जिन्हें कम ही लोग जानते हैं और कई ऐसे नाम जिन्हें कोई नहीं जानता। इन्हीं सेल्स में कभी वो फ्रीडम फाइटर्स रहा करते थे जो देश के लिए यहाँ की अमानवीय परिस्थितियों में जिए और मरे। उस अपराध के लिए जिसे देश प्रेम कहते हैं। सेल्यूलर जेल भारत के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे पढ़ना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी। अंडमान निकोबार पर सेल्यूलर जेल ऐसे ही खंडहर पड़ा रहे तो देश की नई पीढ़ी को हमारे पूर्वजों ने क्या यातनाएं झेली थी कैसे पता चलेगा। इस जेल में 396 सॉलिटरी सेल्स हैं, 3 फ्लोर्स और 7 विंग्स। जो फ्रीडम फाइटर्स हंगर स्ट्राइक करते उन्हें फोर्स फीड किया जाता। इनफैक्ट कई क्रांतिकारियों की मौत की वजह थी ड्राउंड इन मिल्क। यहाँ के ऑयल मिल्स क्रांतिकारियों के शरीर को ही नहीं आत्मा को भी तोड़ते थे। कभी 87 वीरों को एक साथ फांसी दी गई तो कभी टॉर्चर करने के नए तरीके आजमाए गए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानना जितना जरूरी है उतना ही उसे संजोना भी जरूरी है, क्योंकि उन वीरों ने अपने सुख दुख की चिंता ना करते हुए यहाँ के गलियारों में इन ह्यूमन पनिशमेंट सही, लेकिन वो हारे नहीं, झुके नहीं, वे अंग्रेजों के जुल्म से लड़ते रहे। इन बलिदानियों में सबसे ऊपर नाम है विनायक दामोदर सावरकर का, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ आकर श्रद्धांजलि दी। अब आज सेल्यूलर जेल का पुनर्निर्माण हुआ, टूरिस्ट जाते हैं तो वो प्रेरणा लेकर के आते, अच्छा जिस आजादी का सांस मैं ले रहा हूँ, मेरे आजादी के सांस के लिए इन लोगों ने इतना कष्ट झेला था, उनको प्रेरणा मिलती है। पोर्ट ब्लेयर में सिर्फ सेल्यूलर जेल की ही नहीं, एक वक्त पर रॉस आइलैंड कहे जाने वाले आइलैंड की भी एक दिलचस्प कहानी है। भारत के इतिहास की बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमेशा आता है। His contribution towards the freedom of India has been huge. पर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की नींव रखी जिसने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को आजाद करवाया इन द ईयर 1942, यानी भारत की आजादी से 5 साल पहले। जो काम पहले ही हो जाना चाहिए था पर नहीं हो पाया, उसे आजादी के 7 दशकों बाद 30 दिसंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। नेताजी की इस विरासत को सम्मान देते हुए इस नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, नेताजी की 126वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम बदलकर उन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रख दिया। और इस तरह इन द्वीपों को गुलामी के प्रतीकों से आजादी मिल गई।